ये भक्तों के लिए हर पल हमेशा ही सहज मिलते। जहाँ देखो जहाँ सोचो वहीं हनुमान मिल जाए। हनुमान जी काल जयी हैं, चाहे त्रेता युग की बात हो, चाहे द्वापर की बात हो, और चाहे कलयुग की बात हो, चाहे सतयुग की बात हो, हर युग में हनुमान जी शाश्वत स्वरूप में पाए जाते हैं। तो हम यह जानना चाहते हैं कि हनुमान जी किनके अवतार हैं, किन देवता के अवतार हनुमान जी? देखिए, हनुमान जी महाराज जो हैं भगवान शिव के अवतार हैं, शिवांश हैं, है ना। इसलिए इनको भगवान शिव का 11वां अवतार मानते हैं। और रुद्र अवतार हैं, जैसे 11वें अवतार हैं भगवान शिव के, तो इनका जब अवतार हुआ, जब इनका इनकी पुनर्स्थापना हुई, इनका स्थापन हुआ, तो उसके पीछे की क्या कथा थी कि क्यों हनुमान जी अवतरित हुए शिव के अवतार के? देखिए, एक तो यह कथा यदि आप रामचरितमानस उठाएं तो नारद मुह से जुड़ी हुई है। नारद जी को एक बार गंगा के तट पर तप कर रहे थे, कामदेव आए और काम ने उनको मोहित करने की चेष्टा की, तो नारद जी को कोई मोह नहीं हुआ और न नारद जी उनके ऊपर क्रोधित हुए। तो कामदेव उनको नमन करके प्रणाम करके तो चले गए। अब नारद जी को थोड़ा सा अहंकार हो गया। नारद भगवान जो है विष्णु भगवान के पास गए, बोले प्रभु प्रणाम। भगवान ने उनको प्रणाम का जवाब दिया, बोले प्रभु आपकी भक्ति और शक्ति से बोले जो है मेरे को माया छू भी नहीं पाई है, माया छू नहीं पाई है। नारद जी से बोले भगवान, बोले नारद जी आप ऐसा मत विचार करिए, माया कहाँ नहीं है, कहाँ किसको नहीं छू सकती है। अरे नहीं प्रभु, आपकी भक्ति की शक्ति। बोले ठीक है, ऐसे ही मान लो। भगवान ने कहा इनका ट्रीटमेंट करते हैं, इनको अहम हो गया है। तो भगवान ने एक विश्व सुंदरी बनाई और नारद जी के सामने प्रकट कर दी। अब नारद जी को मोह हो गया विश्व मोहिनी से, उनको लगा कि ये तो हमारे लिए है, लेकिन उनने अपने आप को देखा कि भाई हम तो जो है राजकुमार जैसे नहीं लगते हैं, हम तो साधु जैसे लगते हैं, तो उन्हें ऐसा जो है भव्य रूप होना चाहिए हमारा, तब तो जो हमारा पालन करेगी। तो उन्हें भगवान विष्णु से बड़ा तो कोई भव्य रूप है ही नहीं है। तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, जाते हैं तो वहाँ पर जो है भगवान से बोलते हैं प्रभु हरि आप हमें अपना रूप कुछ समय के लिए प्रदान करो। भगवान तो समझ गए थे कि समस्या क्या है और कहानी क्या है। उन्हें ठीक है जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही हो जाए। हरि का मतलब बानर भी होता है, तो उनने बंदर वाला रूप दे दिया उनको। वहां पहुंचे, अब विश्व मोहिनी का स्वयंवर था, ये तो भगवान की माया थी। अब नारद जहां जहां विश्व मोहिनी जाए नारद जी सामने, अब वो बंदर का मुंह देखे तो मुड़ जाए, और भगवान आए अपना रूप लेकर के और विश्व मोहिनी को ब्याह के ले गए। तो दो उनके गण थे भगवान के, वो हंसने लगे, भोलेनाथ के, वो हंसने लगे। अरे बोले चेहरा देखा है आपने, कैसे कैसे रुक जाएगी, चेहरा देख के आओ। जैसे जलाशय में जाके उनने अपना चेहरा देखा बंदर का, तो नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, हताश हो गए। भगवान के पास गए शिकायत लेके। भगवान बोले आपसे हमने अपना हरी का रूप मांगा था, आपने जिका दे दिया। बोले हरी का मतलब बंदर भी होता, हम समझे बंदर का रूप चाहिए। तो फिर उन्होंने भगवान को श्राप दिया था कि आप पत्थर हो, उनको श्राप देते हैं। उन्होंने उनको श्राप दिया, तुमको अब बंदर ही लोग सहायता करेंगे। तो शंकर जी ने कहा इससे अच्छा रूप कौन हो सकता है, भगवान को यही ज्यादा पसंद है, तब तो उनने ये बनाया। तब शिव जी ने मन में ठान ली कि मैं बानर के रूप में अवतरित होऊंगा। अंजनी के गर्भ से इन्होंने बानर के रूप में जन्म लिया, क्योंकि अंजनी माता जो थी भगवान शिव की अनन्य भक्ति थी, उपासना थी।